नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे गदूदों के बारे में। गदूद या इंग्लिश में इसे प्रोस्टेट बोलते हैं, और जैसे जैसे मेल्स की एज बढ़ती है इनका साइज़ बढ़ता है, और इसकी वजह से बहुत सारे मेल्स को एल्डरली एज में प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसी को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रोस्टेट या गदूद एक छोटा ऑर्गन होता है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के आउटफ्लो यानी जहाँ से यूरिन उससे बाहर निकलता है जस्ट उसके पास ये लोकेटेड रहता है। इसका मेन फंक्शन है कुछ सिक्रीशंस बनाना जो कि हमारे सीमन के साथ मिक्स होकर इरेक्टाइल या हमारी रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हेल्प करता है। प्रोस्टेट के इस कंडीशन जिसमें प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा हो जाता है उसे हम बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट के नाम से जानते हैं, यानी कि ये कोई कैंसर नहीं है, सिर्फ एज की वजह से प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया है। बिनाइन यानी वो कंडीशंस जिसमें कैंसर नहीं होता, और इसके साइज़ बढ़ने से ही ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे मेल्स की एज बढ़ती है प्रोस्टेट का साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है, और इससे पेशेंट्स को कई सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि उनकी फ्रीक्वेंसी यानी जितनी बार उन्हें यूरिन जाना पड़ता है उसके नंबर्स बढ़ जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को रात को बार बार उठकर यूरिन पास करना पड़ता है, या उसमें रुकावट होने लगती है, या जैसे कि यूरिन का जो बहाव है वो कम हो जाता है और उन्हें ज़ोर लगाना पड़ता है यूरिनेट करने के लिए। यूरिन की जो स्ट्रीम है वो वीक हो सकती है, यानी कि जैसे आप खड़े होकर दूर पॉट में यूरिन पास कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी जो धार है वो कम हो गई है और वो आपके पैरों के पास ही यूरिन पास हो रहा है। और इसका ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ने पे यूरिन की ड्रिबलिंग हो सकती है, यानी कि स्ट्रीम ना बनकर एक एक बूंद बाय बूंद यूरिन आने लगता है। बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सट्रीम केसेस में यूरिन आना ही बंद हो जाता है जिसके बाद एक यूरिन में पाइप डालना पड़ सकता है, और कुछ पेशेंट्स में यूरिन में ब्लड भी दिख सकता है। ये जो अभी हमने आपको सिम्टम बताए ये और कारणों से भी हो सकते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होना, प्रोस्टेट में सूजन होना, यूरेथ्रा का साइज कम होना यानी उसमें एक स्ट्रक्चर होना, किसी इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से ब्लैडर नेक पे स्कारिंग होना, या किसी पिछली सर्जरी की वजह से स्कारिंग होना, ब्लैडर में स्टोन का होना, या किडनी में कोई स्टोन है वो स्लिप होकर ब्लैडर में या यूरेथ्रा में आ गया है। तो अगर आप इसी किसी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, यूरिन करने में दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर्स के पास जाइए और अपने जांच करवाकर इसका प्रॉपरली इलाज करवाइए। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किसी किसी केस में ये सिम्टम्स इतने बढ़ जाते हैं कि एकदम से यूरिन रुक जाता है और पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है निचली एब्डोमेन में, और उसे इमरजेंसी में जाना पड़ता है इसमें एक कैथेटर डलवाने के लिए यूरिन को पास करने के लिए। आपको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज यूरिन के रास्ते में ब्लॉकेज है और उससे यूरिन प्रॉपरली पास नहीं होता, और इससे बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है। यूरिन का पास ना होने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स बन सकते हैं, ब्लैडर को डैमेज भी हो सकता है बिकॉज आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है यूरिन को पास करने के लिए। यूरिन का प्रेशर बढ़ने की वजह से धीरे धीरे किडनी में भी इसका असर दिखने लगता है और किडनी में भी खराबी आ सकती है। अब बात करेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है। डॉक्टर्स आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद आपको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिनेशन में एक स्पेशल डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है जिसमें वो फिंगर से प्रोस्टेट को फील कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर्स फील करते हैं कि वाकई में क्या प्रोस्टेट का साइज़ ज़्यादा है और कोई उसमें इररेगुलरिटी तो नहीं है, यानी कि उसमें कैंसर के कोई सिम्टम्स तो नहीं है। इसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जैसे कि यूरिन का टेस्ट, कुछ ब्लड के टेस्ट देखने के लिए कि क्या किडनी प्रॉब्लम तो नहीं बन रही है और क्या कोई कैंसर जैसा शिकायत तो नहीं है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक स्पेशल ब्लड टेस्ट है जिसके लेवल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या किसी एक गिवन पेशेंट में ये सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर की वजह से तो नहीं है। इसके अलावा यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट किए जाते हैं जिससे पता चलता है कि यूरिन का जो बहाव है वो नॉर्मल है या नहीं है, और उसके ग्राफ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये सिम्टम्स किस कारण है। अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट का साइज देखा जाता है, प्रोस्टेट में कोई नोड्यूल या कैंसर जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है ये भी अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं, और पोस्ट वर्ड रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि जब आपने यूरिन पास कर लिया है उसके बाद भी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कितना यूरिन रह गया है उसकी मेजरमेंट भी अल्ट्रासाउंड से करते हैं, और उसकी वैल्यू से भी अंदाज़ा लगता है कि आपको BHP यानी प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की प्रॉब्लम है या नहीं, और क्या इसका इलाज करने की अभी ज़रूरत है या हम वेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जैसे कि प्रोस्टेटिक बायोप्सी। अगर डॉक्टर्स को लगे कि कैंसर का शक है तो प्रोस्टेट की बायोप्सी एक पतली सी निडल से ले सकते हैं और उसे माइक्रोस्कोप में चेक कर देखा जा सकता है कि इसमें कैंसर जैसा कुछ लक्षण तो नहीं है। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड जो कि रेक्टम के अंदर से एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, बाहर से जब स्कैन करते हैं तो प्रोस्टेट को देखना उतना क्लियरली पॉसिबल नहीं होता जितना कि हम ट्रांसरेक्टली देख सकते हैं, बिकॉज रेक्टम के बहुत पास होता है प्रोस्टेट और उसकी इमेज हाई क्वालिटी में
हाई रेजोल्यूशन में देखी जा सकती है। यूरोडायनेमिक स्टडीज़ के अंदर हम एक कैथेटर ब्लैडर के अंदर डाल सकते हैं जिससे कि उसके फंक्शन को हम स्टडी कर सकते हैं। सिस्टोस्कोपी एक स्पेशल टेस्ट है जिसमें कि डाउटफुल केसेस के अंदर एक कैमरा ब्लैडर के अंदर डाला जाता है और डायरेक्टली हम विजुलाइज कर सकते हैं ब्लैडर के अंदर के सरफेस को। अगर ये सब टेस्ट के बाद ये पता चलता है कि आप बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट से सफ़र कर रहे हैं तो इसके कई सारे इलाज हैं। ये कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट का साइज़ क्या है, पेशेंट की एज कैसी है, उसकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है और उसके सिम्टम्स कितने सिवियर हैं। बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जैसे कि अल्फ़ा ब्लॉकर्स, अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स या इनके कॉम्बिनेशन थेरेपीज़, जिससे कि हम पेशेंट को इन सिम्टम्स से निजात दिलवा सकते हैं। और अगर ये दवाइयाँ उन्हें सूट कर रही हैं, उनके सिम्टम नॉर्मल हो गए हैं, उनके टेस्ट लगभग नॉर्मल आ रहे हैं और इनका कोई सिवियर साइड इफ़ेक्ट उन्हें नहीं हो रहा है तो पेशेंट्स कंटिन्यूसली ये दवाई खाकर बहुत सारे साल बिना ऑपरेशन के निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में दवाइयाँ या तो काम नहीं करती या उनके सिम्टम्स प्रॉपरली रिलीफ नहीं होते या उन्हें कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो रहा होता है कि वो मेडिसिन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तब उन्हें सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अगर आपके केस में ब्लैडर में स्टोन्स बन गए हैं या आपको किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, उस केसेस में भी सर्जरी करनी चाहिए। कुछ पेशेंट्स को बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है या यूरिन में ब्लड आ रहा है, तब भी ये ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ये ऑपरेशन ज़्यादातर आजकल की डेट में TURP यानी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट के मेथड से किए जाते हैं, यानी कि इसमें कोई भी स्किन पर कट नहीं आएगा। हम यूरिन के रास्ते से ही एक कैमरा और एक इंस्ट्रूमेंट डालकर धीरे धीरे अंदर से ही प्रोस्टेट का साइज़ कम कर देंगे। उसके अंदर से जो यूरिन पास होने का पाइप है उसके ऊपर जितना भी प्रोस्टेट बढ़ गया है उसे क्लीन कर देंगे ताकि ये रास्ता खुल जाए और आपको ये प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा आजकल ये प्रोसीजर लेज़र से भी किया जाने लगा है। अगर प्रोस्टेट का साइज़ बहुत बड़ा है तो लेज़र प्रेफरेबल हो सकती है। ये प्रोसीजर आजकल बहुत कॉमनली किए जाते हैं, काफ़ी हद तक सेफ़ हैं, बहुत जल्दी इनसे रिकवरी हो जाती है। और अगर आप ऐसे किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये ऑपरेशंस करवाने से डरिए नहीं। अगर आप दवाई खाकर आपके सिम्टम नहीं ठीक हो रहे हैं और आप ऑपरेशन करवाना कंसिडर कर रहे हैं तो वी होप कि ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और आप जल्दी ही ये सर्जरी करवाकर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएंगे। थैंक यू।